अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप YouTube के बीटा स्टूडियो के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये उस सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। उनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया है वो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंट्रीज में आपको दिखाई जा रही है कि आपकी वीडियोस जो है वो ज़्यादा किस में देखी जाती हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान में ही ज़्यादा मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सबटाइटल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबटाइटल के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जेंडर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस में मेल ज़्यादा हैं या फीमेल। तो यहाँ पर देखिए मेल के तो 95% है और फीमेल में 5, मतलब मेल ज़्यादा ही हैं। और यहाँ पर आप एज चेक कर सकते हैं और भी आपकी वीडियोस जो है वो ज़्यादा किस एज के लोगों ने देखी है। तो यहाँ पर 18 से 24 ईयर्स के लोग हैं जो मेरी वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको रिवेन्यू का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड रिवेन्यू दिखाया जा रहा है कि इस वीडियो से आपने कितना जो है वो रिवेन्यू हासिल किया। और यहाँ पर एस्टिमेटेड मोनेटाइज्ड बाय बैक्स, जैसे दोस्तों 1000 व्यूज़ पर $1 या 2000 व्यूज़ पर $1 मिलता है, वो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं टोटल व्यूज़ और यहाँ पर रिवेन्यू के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर प्लेबैक बेस्ड ऑफ CPM, जो आपको CPM मिल रहा है वो 0.06 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया कि ऐड आपके किस तरह के एड्स आपके वीडियो पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्किपेबल एड्स ही ज़्यादा हैं, आप यहाँ पर देखिए 82% हैं। और यहाँ पर बम्पर एड जो हैं वो 18% हैं। डिस्प्ले और अननाउंस 0 हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिटर का। आप सिंपली इस पर क्लिक करें। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का फीचर है YouTube के बीटा स्टूडियो में। आप यहाँ पर वीडियो को अपलोड करने के बाद भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं और वीडियो में ब्लर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, एंड स्क्रीन, और इसमें आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी वीडियो 10 मिनट से ऊपर है तो मोनेटाइजेशन के यहाँ पर ऑप्शन आता है, वो आप यहाँ पर ऐड ब्रेक करके भी एड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ट्रिम पर क्लिक करें और यहाँ पर आप उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें आपने कितनी वीडियो को यहाँ पर ट्रिम करना है या आपने जितना भी ब्लर करना है। तो यहाँ पर मैं एडिट ट्रिम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इसमें आप यहां पर प्रीव्यू कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं और यहां पर आप एंड स्क्रीन वगैरह भी लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपकी 10 मिनट की है तो आपको यहां पर एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप ब्लर इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ऐड टू ब्लर पर क्लिक करें तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद। तो यहाँ पर ये वीडियो प्ले हो गई थी, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप जो है वो ब्लर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ब्लर नहीं करना चाहता तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कमेंट्स का। आप यहाँ पर जो है वो इस वीडियो के कमेंट्स चेक कर सकते हैं, जो पब्लिक में है, हेल्ड फॉर रिव्यू में है, लाइकली स्पैम में है। तो दोस्तों, कमेंट जो है वो आप अच्छे किया करें, वही पब्लिश होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गंदे कमेंट करते हैं तो वो मेरे पास रिव्यू के लिए आते हैं या फिर वो स्पैम में चले जाते हैं, जिन्हें मैं रिमूव कर देता हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं जो हेड फॉर रिव्यू और स्पैम में 00 कमेंट हैं, क्योंकि वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मोनेटाइजेशन का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप यहाँ पर मोनेटाइजेशन को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताएगा कि आप किस तरह के एड्स वगैरह आपको सेट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी एड्स को टिक किया हुआ है।
इसके बाद आप यहाँ पर वापस आ जाएं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको सभी फीचर्स के बारे में बता दिया। अगर कोई रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लाजमी से बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप एनालिटिक्स पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर एनालिटिक्स में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू में आप देख सकते हैं व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और रिवेन्यू। दोस्तों यहाँ पर आप पहले जो ओवरव्यू देख रहे थे वो सिर्फ एक वीडियो का था, लेकिन ये पूरे चैनल के हिसाब से यहाँ पर एनालिटिक दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सभी डिटेल्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉप वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, तो आप इन वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही आपकी वीडियोज़ हैं वो वायरल हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इन सब के बारे में पता होगा, अगर यहाँ पर आप रीच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, ये मैंने आपको जो है वो बता दिया है। और यहाँ पर देखिए चैनल के हिसाब से अगर YouTube के सर्च में देखा जाए तो 55% जो YouTube सर्च से मेरा ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पर ब्राउज फीचर की बात करें तो पूरे चैनल के हिसाब से यहाँ पर दिखाया जा रहा है 19.3% ब्राउज फीचर से मेरा ट्रैफिक जो है वो आ रहा है। अदर फीचर में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, एक्सटर्नल और अदर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सजेस्टेड में आप देख सकते हैं कौन सी वीडियो आपकी जो है वो ज़्यादा सजेस्ट की जाती हैं, इसमें किसी और की भी वीडियोस हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर आप इम्प्रेशन में देखें तो यहाँ पर इम्प्रेशन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब रेकमेंडेड योर कंटेंट जो आप देख सकते हैं 35.02 आपकी परसेंट जो है वो यूट्यूब रेकमेंडेड कर रहा है। और यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तकरीबन 8% जो है लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। और एवरेज जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 1 मिनट और 15 सेकंड है। और यहाँ पर आपका वॉच टाइम भी आपको दिखा रहा है जो कि आपने 28 दिनों में गेन किया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर आप इंगेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वो आपको डिटेल बताएगी जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ऑडियंस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑडियंस कैसी है, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर। यहाँ पर ये पूरे चैनल के हिसाब से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो वीडियो के हिसाब से था। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कमेंट्स सेक्शन का। यहाँ पर अगर आप कमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरे चैनल के जो कमेंट्स वगैरह आते हैं वो यहीं पर पब्लिश होकर यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पब्लिक, हेल्ड फॉर रिव्यू और लाइकली स्पैम। वो मैंने आपको बता दिया है कि हेल्ड फॉर रिव्यू क्या होता है, लाइक स्पैम क्या होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसक्रिप्शंस, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से वीडियो वगैरह ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं, आप इनको सबटाइटल वगैरह देख सकते हैं, ड्रॉफ कम्युनिटी और पब्लिश वगैरह देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको अदर फीचर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो अनटिल द फीचर आर बिल्ट यू कैन स्विच टू क्रिएट स्टूडियो क्लासिक। तो यहाँ पर आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लासिक स्टूडियो में ओपन हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यही थे इसकी जो मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर कोई बात रह गई हो जो मैं आपको ना बता सका हूँ तो आप मुझे लाजमी से बताइएगा। वीडियो काफ़ी सा लंबी हो गई है तो शायद कोई चीज़ रह भी सकती है, तो आप लाजमी नीचे बताइएगा। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको YouTube बीटा स्टूडियो के बारे में मुकम्मल पता चल चुका होगा कि ये कैसे यूज़ किया जाता है।
अगर कोई भी इसमें चीज़ रह गई हो जो मैं आपको नहीं बता पाया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी दूंगा और अगर हो सका तो मैं आपको वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।